कोरोना जैसी महामारी को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क दिखाई पड़ रही है। इसी को लेकर रायबरेली जिलाधिकारी सुभाष सक्सेना व पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई ने लॉकडाउन की व्यवस्था को जानने के लिए शहर का निरीक्षण किया। रोडवेज बस स्टेशन जहां हरियाणा दिल्ली से आए हुए जनपदवासियों की कुशलक्षेम के बारे में पूछा तथा बिस्कुट ब्रेड एवं खाना खिलाया। उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए गाड़ी को रवाना कराया। वह स्वास्थ्य की ओर जांच भी कराई और डीएम और एसपी ने साथ ही रास्ते में दिखाई पड़े जानवरों को भी खाना खिलाकर मानवता की मिसाल पेश की। डीएम व एसपी ने नगर पालिका परिषद बालिका इंटर कॉलेज में बने कोविड-19 आपदा स्थायी आश्रय में अन्य राज्यों से आए हुए पंजीकृत 80 लोगों के लिए नगर मजिस्ट्रेट ईओ को निर्देश दिए कि लोगों के स्वास्थ्य की जांच कराएं। लोगों से कहा कि सभी अपने बेड को देख लें तथा सामाजिक दूरी बनाए रखें। रायबरेली से ब्यूरो हर्षित द्विवेदी की रिपोर्ट। मैडम, अब तक आपने लॉकडाउन का काफी निरीक्षण किया, तो कहाँ तक क्या क्या निरीक्षण किया और बस स्टेशन पर किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए, हमारे यहाँ लॉकडाउन बहुत इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रहा है, जनता इसमें हमारा पूरा सहयोग भी कर रही है। हमने डोर स्टेप डिलीवरी की बहुत सारे मीडियम से डोर स्टेप डिलीवरी भी करवा रहे हैं और आवश्यक सेवाएं सबको उपलब्ध करा रहे हैं, और इसमें सभी जो हमारे सामाजिक संगठन है उसको भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। अभी जो रोडवेज का निरीक्षण किया गया है, यहाँ पर हमारे राउंड द क्लॉक मैजिस्ट्रेट और फोर्स की ड्यूटी है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा टीम भी 24 आवर्स यहाँ अवेलेबल है, और यहाँ पर जितने भी लेबरर्स हैं उनको आते ही हम लोग खाना पानी और स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराते हैं। और यहाँ पर जो हमारे जनपद के हैं उनके लिए हमने क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाई हुई है, तो यहाँ पे उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के उपरांत उनको क्वारंटाइन फैसिलिटी भेजा जा रहा है जहाँ उनके रहने की सुविधा है। वर्तमान में हमारे पास करीब 500 लोगों के क्वारंटाइन की फैसिलिटी है, जिसको जैसे हम बात कर रहे हैं एक्सपैंड किया जा रहा है। तो यहाँ व्यवस्थाएँ सारी सुदृढ़ हैं, और यहाँ मैंने सबसे बात भी की, यहाँ किसी को भी कोई समस्या नहीं है, खाना सबको दे दिया गया है, सब संतुष्ट है, और ये सुनिश्चित किया जाएगा किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। क्या इनको बॉर्डर पे कुछ चेकिंग होती है जब आते हैं रायबरेली में? हाँ, जब जिस जैसे बॉर्डर से अगर वो हमारे जनपद में कहीं पर उतरना चाह रहे हैं तो हम उनकी बॉर्डर पर ही स्क्रीनिंग करा रहे हैं। वहाँ पर भी मेडिकल टीम लगी और हमारा एक कैंप लगा हुआ है जिसमें मैजिस्ट्रेट ऑफ कोर्स लगातार तैनात है। तो बॉर्डर पर जितनी भी बसेस, ट्रक्स और अन्य माध्यम से लोग आ रहे हैं उसकी भी हम चेकिंग सुनिश्चित करा रहे हैं, ताकि कोई इस प्रकार का व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है और संक्रमित हो वो यहाँ पर संक्रमण ना फैला सके। तो व्यवस्थाएँ हमारी इस तरीके से पूरी सुदृढ़ है। मैडम, रायबरेली के लिए कोई स्पेशल संदेश, अब गांव में लोग पहुंचेंगे तो उनके लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, हमारे जो अभी आ रहे हैं जो लोग बाहर से अन्य जनपदों से, उनको हम लोग क्वारंटाइन करेंगे जनपद हेडक्वार्टर्स पे। इसके लिए 2 फैसिलिटीज ऑलरेडी तैयार हो गई हैं और व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, उनको यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। 14 अप्रैल तक हम उनको यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद वो अपने घर जा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त गाँव में भी जो हमारे लोग हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने अपने कोटेदारों के माध्यम से वहाँ पे जनता स्टोर्स बना दिए हैं, जहाँ पर तेल, चीनी, चाय पत्ती इत्यादि काफ़ी वस्तुएं वहाँ मिल रही हैं, साबुन जो उनको चाहिए और जैसी आवश्यकता होती है कोटेदोर वहाँ पे दुकान पे उपलब्ध करा रहा है। इस प्रकार की आप देखें ग्राम पंचायतों में भी ये व्यवस्था है, और इसलिए हमारे यहाँ लोग बाहर घर से ज़्यादा नहीं आ रहे। लॉकडाउन वेरी इफेक्टिव। थैंक यू।